हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हाउ टू क्रैक इन्फोसिस। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स ने थंबनेल भी देख लिया होगा, सो काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर अपकमिंग इन्फोसिस का एग्जाम होने वाला है एंड काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल आ चुकी थी कि भैया एक रोड मैप वाली वीडियो लेके आओ जिससे हम इन्फोसिस क्रैक कर सकते हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम करके इन्फोसिस का असेसमेंट क्लियर कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेलिंग बताने वाला हूँ एंड आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, जल्दी जल्दी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी आप लोगों के लिए इन्फोसिस के प्रिपरेशन वीडियो भी आने वाली है। बट उससे पहले ये वाली वीडियो जरूर देख लेना एंड एंड तक देख लेना, सारी चीजें बताने वाला हूँ एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है आपको आपके नेक्स्ट राउंड के लिए ले जाए, क्योंकि जैसे ही आप असेसमेंट क्लियर करोगे उसके बाद आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं। सो इस रोड मैप के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ एंड उसके बाद इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ एंड एक न्यू एनर्जी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो ये मैं सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा, काफी स्टूडेंट्स बीच में से स्किप कर देते हैं। सो प्लीज वीडियो स्टार्ट मत करना अगर आपको बीच में से स्किप करनी होगी, वही स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करना जो वीडियो एंड तक देख पाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आप लोग को सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले राउंड्स की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले इनका ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसको हम ऑनलाइन असेसमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है टेक्निकल राउंड, देन होता है एचआर राउंड। अब काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया क्या सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल पे कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? अभी मैं आप लोग को इस चीज का जवाब भी दे देता हूँ। जो सिस्टम इंजीनियर रोल होता है ये 3.6 LP आपको पैकेज ऑफर करता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी। अब इसके अंदर कोई भी आपका कोडिंग नहीं आएगा, नो कोडिंग रिक्वायर्ड। सो जितने स्टूडेंट भी कोडिंग से डरते हैं, जितने स्टूडेंट की भी कोडिंग वीक है, ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होने वाली है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पे आपके एप्टीट्यूड से काम चल जाएगा, आपके सूडो कोड से काम चल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग की रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इनका कोई भी कोडिंग असेसमेंट नहीं होता है एंड जो कि काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। पैकेज मैंने आपको बता दिया 3.6 LPA ऑफर करती है। हमने राउंड्स देख लिया कि सबसे पहला राउंड इनका ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन टेक्निकल राउंड, देन एचआर राउंड। अब बात करते हैं कि भैया ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले, क्या टाइम होने वाला है, कितने क्वेश्चन के अंदर कितने टाइम में हमें सोल्व करना है। सो ये चीजें आपको टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, टाइम मैनेजमेंट जितने स्टूडेंट का अच्छा होगा, टाइम मैनेजमेंट जितने स्टूडेंट ने कंट्रोल कर लिया, वो स्टूडेंट इस राउंड को क्लियर करके इंटरव्यू तक जरूर पहुंच जाएगा। मैं फिर यही बात बोल रहा हूँ, असेसमेंट के अंदर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो आपको अपने टाइम को बहुत ईजिली मैनेज करके चलना है जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओ एंड इस राउंड को क्लियर कर पाओ। अब बात करते हैं कि भैया इनके सब सेक्शन क्या होने वाले हैं। सो मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, सूडो कोड, पजल सॉल्विंग। अभी आप लोग को मैं हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जरूर हेल्प करने वाले आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड ये 10 क्वेश्चन आपको 35 मिनट्स के अंदर सोल्व करने होंगे। सो एवरेज हम मान के चलते हैं 3.5 मिनट्स, ठीक है। तो मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर आपको टाइम भी ज्यादा लगने वाला है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। सो 10 क्वेश्चन के लिए हमें 35 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो 15 क्वेश्चन 25 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करने होंगे। सो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन अच्छी कर लेना। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा होगा तो आप इजिली इस राउंड को क्लियर कर लोगे एंड आप इंटरव्यू के लिए पहुंच जाओगे। अब इस वीडियो के अंदर मैं इंटरव्यू के अंदर भी बताने वाला हूं कि इंटरव्यू के अंदर कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ठीक है। सूडो कोड की बात करूं, पहले वर्बल एबिलिटी की बात कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन हमें करने होंगे 20 मिनट्स के अंदर। बात करते हैं सूडो कोड की, सो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं जो आपको 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने होंगे। पजल सॉल्विंग 4 क्वेश्चन 10 मिनट्स। तो ये तो आपके कंप्लीट इनके सब सेक्शन रहने वाले थे, ये आपके सेक्शन डिवाइड हो चुके हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये सारे टॉपिक्स आपको लिखने तो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, बट मैं आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एंड सभी स्टूडेंट से हाईली रिक्वेस्ट करूंगा, इसको मेरी रिक्वेस्ट मान लो या एज अ बिग ब्रदर मेरा सजेशन मान लो,
कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लीज प्लीज करके चले जाना, तभी आप इस रोल का ये पैकेज क्रैक कर पाओगे, ठीक है। इंटरव्यू निकालना बहुत ईजी है, अगर आपने एक बार असेसमेंट निकाल लिया इन्फोसिस का सिस्टम इंजीनियर रोल पे, उसके बाद इंटरव्यू के अंदर बहुत बेसिक बेसिक चीज आने वाली है। तो असेसमेंट का पहला टारगेट होना चाहिए, उसके बाद आपका इंटरव्यू टारगेट रहने वाला है। सो मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, एंड अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कहीं नोट डाउन नहीं करने, कैसे मिलने वाले इनका फ्री मैं आपको पीडीएफ लिंक देने वाला हूँ, फ्री पीडीएफ देने वाला हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ आपको ये कैसे पीडीएफ मिलने वाली है। गाइस आपको मैं टॉममेट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसके अंदर ही मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री पीडीएफ रहने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, सो यहाँ पे जाके सी ऑल कर लेना, यहाँ पे आपके भैया की प्रोफाइल रहने वाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सी ऑल करोगे सो यहाँ पे आपको आपके भैया की प्रोफाइल मिल जाएगी, या फिर अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है सो आप मैनुअल यहाँ पे सर्च कर लेना, अमन अग्रवाल फ्रॉम द बीटेक फैक्ट्री चैनल, ठीक है। ऐसे करके अगर आप सर्च करोगे तो प्रोफाइल आ जाएगी, वरना आपको डायरेक्टली आपको लैंडिंग पेज पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सी ऑल करके यहाँ पे आपको प्रोफाइल ओपन कर लेनी है। जैसे आप प्रोफाइल ओपन करोगे, सिर्फ आप सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हमने बिल्कुल 0 रुपीज पे काफी इन्फ्लुएंसर काफी यूट्यूबर काफी भैया दीदी आपसे चार्ज करते हैं इन सब चीजों का, बट बिल्कुल फ्रीली आपको पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको मैं कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दे दूंगा, एंड यहाँ पे जैसे आप एक्सेस करोगे यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह डालने के बाद यहाँ पे आप 50 रुपीज देख पा रहे होगे, बट ये हटा देना गेट इंस्टेंट आंसर्स, ठीक है। आपका बिल्कुल 0 रुपीज बिल्कुल फ्री आपका कन्फर्म एंड पे, यहाँ पे आप जैसे डालोगे बिल्कुल भी एक भी सिंगल पैनी नहीं लगने वाली, एक भी सिंगल रुपीज नहीं लगने वाली है, एंड आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। एंड काफी स्टूडेंट्स को डाउट है कि भैया कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। यू कैन सर्च ऑन हीटो, आई एम लुकिंग फॉर इन्फोसिस इंजीनियर फॉर गाइडेंस। अब सारी चीजें बिल्कुल फ्री में होने वाली है, सो यहाँ पे बहुत सारे इन्फोसिस के इंजीनियर्स आ जाएंगे। सो आप देख सकते हो सीनियर सिस्टम इंजीनियर एट इन्फोसिस, इससे ही हमें काम था, सिस्टम इंजीनियर से हमें काम था। अब इसने सिस्टम इंजीनियर रोल क्रैक किया है तो इसको चीजें पता होगी। सो यहाँ पे आपको प्रोफाइल लिंक ओपन करना है, एंड फ्री में आपको यहाँ पे सर्विसेज मिल जाएगी। डिस्कवरी कॉल 0 रुपीज, आपको यहाँ पे डिस्कवरी कॉल बुक कर लेनी है अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे आप जब जाओगे डिस्कवरी कॉल आप अपनी बुक कर लेना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मंडे ट्यूसडे आप अपना अपना स्लॉट बुक करके बिल्कुल फ्री में आपकी डिस्कवरी कॉल हो जाएगी, एंड इनसे सिस्टम इंजीनियर रोल को क्रैक करने की स्ट्रेटेजीज पूछ लेना, वेबसाइट्स पूछ लेना, सारी चीजें आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ जरूर जाके वहां से बुक कर लेना, डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अब मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज, जो नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वे आपको प्रिपेयर करने हैं। टाइम एंड वर्क विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज, परसेंटेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स, यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे मिलने वाले हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सो ये मैथमेटिकल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगी ये मैंने ये भी आपको बता दिया है, कैसे आपको पीडीएफ मिलने वाली है। जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, टॉममेट का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां पे जाके बिल्कुल फ्रीली आप पीडीएफ ले लेना। बार बार मेरे से मत पूछना कि कैसे पीडीएफ मिलेगी, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया। एंड अगर आप लोगों को एक प्रिपरेशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हैं। जितने स्टूडेंट्स का अपकमिंग आपका असेसमेंट होने वाला है, अपकमिंग आपका टेस्ट होने वाला है इन्फोसिस का, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर हर एक स्टूडेंट्स बताएगा कि कब आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। एंड जितने स्टूडेंट्स को भी प्रिपरेशन वीडियो चाहिए सो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं वन शॉट बना दूंगा जो आपको काफी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। लॉजिकल रीजनिंग, पजल, अरेंजमेंट्स, सिलोजिस्म, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर सीरीज आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, लाइक 1, 3, 5, 7 आपसे नेक्स्ट नंबर पूछ लेंगे, तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हो, जैसे 2, 2 सो यहाँ पे क्या होगा 9, तो ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, सो इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, तो ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो चुका है। बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की, सेम पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है, सो ये सारे टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ में से टॉपिक्स देख लेना है एंड इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। वर्बल एबिलिटी, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर करेक्शन के काफी बार क्वेश्चन आते हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एरर डिटेक्शन, रीडिंग कंप्रेशन, जैसे आपका अनसीन पैसेज, आपने 12th के अंदर अनसीन पैसेज किया होगा, ऐसे ही आपका रीडिंग कंप्रेशन रहने वाला है। एंड इस ये आपका स्कोरिंग है, ठीक है, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से करना। नाउ मूव टू द सूडो कोड। सूडो कोड की बहुत जल्दी वीडियो में लेके आ जाऊंगा, वन शॉट अगर आपको चाहिए होगी पर तभी आएगी, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि भैया आप लेके आओ, ये वीडियो बनाओ, सूडो कोड की वीडियो बनाओ। सो देखो, सूडो कोड में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, एंड ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट का शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है इंटरव्यूज के लिए। सो सूडो कोड अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, बट कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ठीक है। लूप्स, ऑपरेटर्स, मेथड ओवरराइडिंग, एरे, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, फंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ मूव टू द टेक्निकल इंटरव्यू। अब ये टेक्निकल इंटरव्यू उन्हीं स्टूडेंट का होने वाला है जो असेसमेंट या फिर ऑनलाइन राउंड से क्लियर हो जाएंगे एंड शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उनके लिए टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है, जिसके अंदर ओब्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कोड करते हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। नाउ SQL, DSA, प्रोजेक्ट इन डेप्थ नॉलेज, जो प्रोजेक्ट पूछा जाएगा उसकी डेप्थ नॉलेज के अंदर आपसे प्रोजेक्ट पूछा जाएगा। नाउ मूव टू द लास्ट राउंड, HR इंटरव्यू। सो बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है, बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कंपनी की रिसर्च करके जाना। सो कंपनी के बारे में पढ़ के जाना, इन्फोसिस के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने PDF का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा टॉपमेट का, वहां पे आप जाके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF ले सकते हो, ठीक है। आपको मेरी प्रोफाइल अगर नहीं मिलेगी तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, अमन अग्रवाल फ्रॉम द बीटेक फैक्ट्री चैनल, ठीक है। सो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी एंड वहां पे आपको फ्रीली आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। होप्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, काफी स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तभी लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगी तो लाइक मत करना। एंड जितने स्टूडेंट्स भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।